दोस्तों, आप लोगों ने तो मशहूर डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स के बारे में तो सुना ही होगा, पर यह कहानी उसकी बहन इनोला होम्स के बारे में है। इंग्लैंड के बाहरी इलाके में होम्स परिवार रहते हैं। पिता की कई साल पहले मृत्यु हो गई थी और बड़े बेटे कुछ ही समय बाद घर छोड़कर चले गए, इसलिए आजकल वहां रहने वाले केवल माँ यूडोरिया, सबसे छोटी बेटी इनोला और एक हाउसकीपर ही हैं। इनोला का नाम अलोन को बैकवर्ड स्पेल करने से बना है, क्योंकि यूडोरिया वर्ड गेम्स की शौकीन है। इनोला कभी भी घर के चारों ओर के जंगल से आगे कभी नहीं गई, कभी शहर या कस्बे में नहीं गई। लेकिन ये ठीक है, क्योंकि यूडोरिया ने अपनी बेटी इनोला को वो सारी शिक्षा दी है जिसे उसकी जरूरत है, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, यहाँ तक के सेल्फ डिफेंस भी। वो दोनों बेहद करीब हैं, लेकिन यूडोरिया के पास अभी भी कुछ रहस्य हैं जिसे वो अपनी बेटी से साझा नहीं करती। इनोला अपनी माँ को घर की दूसरे औरतों के साथ सीक्रेट मीटिंग करते हुए देखती है। इनोला के 16वें जन्मदिन की सुबह इनोला देखती है कि उसकी माँ भी घर छोड़कर चली गई और वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही अजीब सा गिफ्ट छोड़कर गई है। यही कारण है कि इनोला अब अपने भाई माइक्रॉफ्ट और प्रसिद्ध जासूस शर्लॉक को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जा रही है, इस उम्मीद में कि वो दोनों उन जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसे इनोला ढूंढ रही है। कई साल हो गए हैं जब उन्होंने एक दूसरे को देखा है, इसलिए वो भाई पहले तो अपनी बहन को पहचान ही नहीं पाते, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद चीजें जल्दी ही उनके बीच अजीब हो जाती है। माइक्रॉफ्ट घर की हालत और इनोला में लेडी बिहेवियर की कमी देखकर बहुत गुस्सा होता है। शर्लॉक अपने माँ के कमरे के चारों ओर देखता है और उसे लगता है कि यूडोरिया अपने आप चली गई, वो लौटने नहीं वाली। बाद में इनोला अपने भाइयों को बिलियर्ड खेलते हुए देखती है और उन्हें बात करते हुए सुनती है, और पता चलता है कि घर बड़े भाई माइक्रॉफ्ट के नाम पर है और यूडोरिया ने इनोला को पालने के लिए घर को 16 साल के लिए अपने पास रखा था। माइक्रॉफ्ट ने भी शर्लॉक को महीनों से नहीं देखा, क्योंकि शर्लॉक को कभी अपने परिवार की परवाह थी ही नहीं। वो केवल इसलिए आया है क्योंकि उसे तो ये रहस्य को सुलझाना है कि यूडोरिया गई कहाँ। माइक्रॉफ्ट की राय में इनोला को एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना सही होगा ताकि वो एक लेडी बनना सीख सके। अगले दिन मिस हैरिसन आती है, वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है जिसे माइक्रॉफ्ट ने अपनी बहन को डिसिप्लिन में लाने के लिए काम पर रखा है, और इनोला तो उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। मिस हैरिसन उसे थप्पड़ तक मारती है जब इनोला अपने टीचर को उल्टा जवाब देती है। इनोला माइक्रॉफ्ट से दया की भीख मांगती है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करने वाला, इसलिए इसके बजाय वो शर्लॉक से मदद मांगती है। लेकिन वो भी क्या कर सकता है, क्योंकि कानून कहता है कि इनोला माइक्रॉफ्ट की जिम्मेदारी है। नाराज होकर इनोला एक पेड़ के ऊपर स्केचिंग करने के लिए घर से निकल जाती है। शर्लॉक उसे ढूंढता है और उसके साथ अपने बचपन का एक किस्सा साझा करता है कि इनोला के पास डैश नाम का ऊन में लिपटा एक पाइकोन था जिसे वो एक डॉग की तरह हर जगह खींचते रहती थी। शर्लॉक यूडोरिया के एक रहस्य के बारे में बात करता है जो इनोला की दिलचस्पी बढ़ाता है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि अगर वो सच देखना चाहती है तो उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। शाम को इनोला उस सच्चाई को खोजने के लिए अपने गिफ्ट्स को देखती है, और यूडोरिया को वर्ड गेम्स पसंद हैं और इनोला वर्ड्स को सजाना शुरू करती है, और उसे पता चलता है कि उसकी माँ चाहती थी कि वो उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को देखे। कैनवस के पीछे छुपा उसे पैसों के साथ एक लिफाफा और यूडोरिया का बनाया हुआ एक कार्ड मिलता है। इनोला इसके बाद आधी रात को शर्लॉक के पुराने कपड़े पहनकर घर से भाग जाती है। वो अगले दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और ट्विग्सबरी परिवार को देखती है जो अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, और इनोला के साथ ट्रेन में फैमिली का कर्मचारी लिन थ्रॉन चढ़ जाता है। फिर इनोला को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है। एक बैग के अंदर से एक लड़का निकलता है जो कोई और नहीं विस्काउंट ट्विग्सबरी है जिसे उसका परिवार ढूंढ रहा है, और पता चलता है कि उस लड़के ने एक कूली को घूस दिया था उसे ट्रेन के अंदर लाने के लिए ताकि वो अपने परिवार से बच सके। लेकिन इनोला को उसकी परवाह है नहीं, वो नहीं चाहती कि वो उसे बचाकर अपने मिशन से समझौता करे, इसलिए वो उसे लिनथॉन के बारे में चेतावनी देने के बाद वहां से निकल जाती है। हालांकि ट्विग्सबरी कुछ सेकंड बाद लौटता है और वो डरा हुआ होता है क्योंकि उसने देखा कि लिनथॉन हर जगह उसे ढूंढ रहा है। इनोला उसे छोड़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो मुश्किल से कुछ ही कदम दूर जाती है और वो लिनथॉन को ट्विग्सबरी पर हमला करते हुए सुनती है। गिल्टी महसूस करते हुए वो वापस आती है और लिनथॉन से वो ट्विग्सबरी को बचाती है। इनोला उसे सही समय पर पकड़ लेती है, और जब ट्रेन घास वाले जगह से गुजरती है तो वो ट्रेन से कूद जाते हैं
इस बीच शर्लॉक फिर से सुराग के लिए घर के चारों ओर देख रहा है, ये सोचकर कि उसकी बहन का गायब होना शायद इस रहस्य का हिस्सा है। हाउसकीपर शर्लॉक से इनोला को फिर से नहीं छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि माइक्रॉफ्ट उसे खोजने के लिए पुलिस से बात कर रहा है। इनोला और ट्विग्सबरी एक साथ लंदन जाने के लिए सहमत होते हैं। रात के लिए वो दोनों कैंप लगाते हैं और अपने अजीब परिवारों के बारे में बात करने लगते हैं। इनोला ने ट्विग्सबरी के बाल काट दिए ताकि उसे पहचानना मुश्किल हो। सुबह में आखिरकार वो दोनों लंदन पहुंच जाते हैं, जहां से वो दोनों अलग हो जाते हैं। कभी भी शहर में नहीं आने की वजह से इनोला काफी सरप्राइज्ड होती है, खासकर जब सड़कों पर वो कई प्रोटेस्टर्स को देखती है जो महिलाओं को वोट देने के लिए बिल यानी के रिफॉर्म बिल को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हर जगह मिसिंग ट्विग्सबरी के फ्लायर्स पड़े हुए हैं। इनोला खुद को एक प्रॉपर लेडी का भेज देती है। इस बीच शर्लॉक ने ट्विग्सबरी के लापता होने का मामला ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपनी माँ और बहन को ढूंढना चाहता है। पर शर्लॉक को दो लड़कों के ट्रेन से कूदने की खबर में एक सुराग मिलता है। अब एक कमरे किराए पर लेने के बाद इनोला अपने प्लान के अगले चरण पर काम करना शुरू करती है। वो अखबार के पर्सनल एडवर्टीजमेंट में कुछ सीक्रेट मैसेज पब्लिश करती है, फिर उस पते पर जाती है जिसे इनोला ने यूडोरिया को लिखा था, जो कि एक टी हाउस का है। इनोला फर्स्ट फ्लोर से कुछ अजीब आवाजें सुनती है और इसे देखने के लिए ऊपर जाती है, और पता चलता है कि ये तो महिलाओं के लिए जूजित्सु अकेडमी है, जिसे एडिथ नाम की एक औरत चलाती है। एडिथ इनोला की पहली टीचर थी, और जब इनोला याद करती है उस समय को तो उसे एहसास होता है कि एडिथ उन महिलाओं में से एक है जो यूडोरिया की गुप्त मीटिंग में शामिल हुई थी। एडिथ इनोला को यूडोरिया के बारे में कुछ भी नहीं बताती, और जाने से पहले इनोला एक लोगो के साथ डायनामाइट से भरा एक बॉक्स देखती है, जो उस बॉक्स से मेल खाता है जो यूडोरिया की गुप्त मीटिंग्स के दौरान उसके घर पर था। फिर वर्ड्स को अरेंज करके वो एक एड्रेस का पता लगाती है, और उस दरवाजे के ताले पर एक बैंगनी रंग का रिबन होता है जो मीटिंग्स में महिलाओं द्वारा पहनी गई रिबन से मेल खाता है। इनोला खिड़की से अंदर घुसती है और उसे एक लैब पैम्पलेट और एक्सप्लोसिव से भरे बॉक्स मिलते हैं, जिससे इनोला को एहसास होता है कि उसकी माँ यूडोरिया एक कट्टरपंथी ग्रुप की लीडर है। बाहर जाने पर इनोला पर लिलथॉर्न हमला करता है, जो उसे ट्विग्सबरी के ठिकाने के बारे में पूछता है और इनोला को टॉर्चर करता है। इनोला डूबने का नाटक करती है और लिनथॉर्न पर मौका देकर हमला करती है। दोनों लड़ने लगते हैं और लिनथॉर्न चाकू से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इनोला का कॉर्सेट उसे बचा लेता है, थैंक गॉड। इसीलिए वो एक्सप्लोसिव्स को जलाने के लिए मेज पर मौजूद केमिकल्स का यूज करती है और वहां से भाग जाती है। अब ये जानकर कि लिनथॉर्न लंदन में है, इनोला को ट्विग्सबरी को चेतावनी देने की जिम्मेदारी महसूस होती है। एक विधवा के रूप में वो उसके घर जाती है और वो उन्हें बताती है कि वो शर्लॉक की असिस्टेंट है। ट्विग्सबरी की माँ लगभग इस बात पर विश्वास कर लेती है, लेकिन स्कॉटलैंड यार्ड के शर्लॉक के करीबी दोस्त इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड वहाँ मौजूद होते हैं, और वो इनोला की झूठ एक सेकंड में पकड़ लेते हैं। दोनों बहस करने लगते हैं, इसीलिए ट्विग्सबरी की माँ उन दोनों को बाहर निकाल देती है। बाहर आकर इनोला एक माली से कपड़े एक्सचेंज कर लेती है। इस बीच शर्लॉक एडिथ को ढूंढ लेता है। एडिथ उसे बताती है कि इनोला ठीक है, लेकिन उसे और जानकारी देने से वो इनकार कर देती है, ये बताते हुए कि शर्लॉक को ये समझ में नहीं आएगा कि यूडोरा और बाकी औरतें मिलकर कितना जरूरी काम कर रही हैं। माइक्रॉफ्ट भी एक मीटिंग कर रहा होता है लेस्ट्रेड के साथ, जो उसे बताता है कि उसने जिस लड़की को देखा वो माइक्रॉफ्ट की बहन ही थी, और माइक्रॉफ्ट इनोला को पकड़ने पर एक अच्छा इनाम देने का उसे वादा करता है। इनोला जंगल में जाती है और ट्विग्सबरी के ट्री हाउस को ढूंढती है, जहां उसने अपने परिवार को भ्रमित करने के लिए अपने बारे में कुछ नकली सुराग छोड़े हैं। लेकिन इनोला को रियल लोकेशन के बारे में एक किताब और एक सुराग मिलता है, लेकिन तभी वहां ट्विग्सबरी की दादी दी डोवेगर आती है। इसके बाद इनोला कोवेंट गार्डन जाती है, जहाँ वो ट्विग्सबरी को फूल बेचते हुए पाती है। वो उसे लिनथॉर्न के बारे में चेतावनी देती है और वो उसे अपने साथ ले जाती है, इस बात से अनजान कि ट्विग्सबरी के मिसिंग फ्लायर्स अब सभी जगह पर हैं। होटल में इनोला ने ट्विग्सबरी को ये बताया कि उसने जंगल में जो सुराग देखे हैं वो ये दर्शाता है कि उसके पिता की मृत्यु एक दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है, और अब उसके परिवार ट्विग्सबरी को भी मारना चाहते हैं किसी लालची कारणों के वजह से। पर तभी वहाँ लेस्ट्रेड आ जाता है और दोनों चेस्ट के मदद से दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं, और इनोला ट्विग्सबरी को खिड़की से भागने के लिए कहती है, क्योंकि ट्विग्सबरी का मरना इनोला के पनिशमेंट यानी के बोर्डिंग स्कूल में भेजे जाने से कई ज्यादा बुरा है। इनोला को पकड़कर माइक्रॉफ्ट के पास भेज दिया जाता है, जबकि ट्विग्सबरी भाग जाता है। बोर्डिंग स्कूल में इनोला फिट होने में स्ट्रगल करती है,
हर क्लास से वो नफरत करती है जिसमें बताया जाता है कि कैसे एक परफेक्ट लेडी बनना है। रात में उसे कमरे में मिस हैरिसन द्वारा हमेशा बंद रखा जाता है, जो इनोला को ये याद दिलाना पसंद करती है कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था और वो कभी भी अपने अलावा किसी भी चीज की परवाह नहीं करती थी। एक दोपहर इनोला से मिलने के लिए शर्लॉक आता है, जो अपनी बहन को बताता है कि उसने एडिथ और लैब को ढूंढ लिया, लेकिन यूडोरिया अभी तक नहीं मिली। इनोला उस पर चिल्लाती है कि शर्लॉक उसके लिए कुछ नहीं करता, इसीलिए शर्लॉक कबूल करता है कि वो उसकी परवाह करता है। शर्लॉक को ट्विग्सबरी और इनोला के बारे में पता है, लेकिन उसके सामने आने का असली कारण इनोला को पुराना डैश देना है जिसे यूडोरिया अपने तकिए के नीचे रखती थी। ये इस बात का सबूत है कि यूडोरिया इनोला की परवाह करती है। जाने से पहले शर्लॉक इनोला को आज का पेपर देता है जिसमें लॉर्ड्स के जल्दी वोट्स करने की बात लिखी हुई है। माइक्रॉफ्ट इनोला को एक बड़ा सा बास्केट गिफ्ट करता है। जब वो इसे खोलती है तो उसमें ट्विग्सबरी होता है जो इनोला को बचाने के लिए आया है। इनोला बास्केट के अंदर छिप जाती है और ट्विग्सबरी उसे कमरे से बाहर ले जाता है, लेकिन मिस हैरिसन देख लेती है, इसलिए ट्विग्सबरी झूठ कहता है कि ये गिफ्ट है जिसे माइक्रॉफ्ट ने हैरिसन के लिए भेजा है। बास्केट को हैरिसन अपने ऑफिस में ले जाती है और जब वो बास्केट को खोलती है तो इनोला का एक छोटा सा कार्टून उसे मिलता है और ये पता लगता है कि इनोला खिड़की से भाग गई है और बाहर वो ट्विग्सबरी से मिलने के बाद दोनों हैरिसन के कार से वहां से भाग जाते हैं। उन्हें लंदन लौटना था, लेकिन इनोला ने फैसला किया कि इस मामले को सुलझाने के लिए वो एक जोखिम उठाएगी और ट्विग्सबरी के परिवार का वो सामना करेंगे। उसे यकीन है कि इसके पीछे अपराधी उसके अंकल ही हैं, जो वोटिंग में ट्विग्सबरी के पिता की सीट चाहता है क्योंकि ट्विग्सबरी अपने पिता की तरह रिफॉर्म बिल के पक्ष में वोट करने वाला है। जब तक वो दोनों हवेली में पहुंचते हैं रात हो चुकी होती है। लिनथॉर्न अचानक सामने आ जाता है और राइफल से फायर करता है, इसलिए दोनों मूर्तियों के पीछे छिप जाते हैं। जब लिनथॉर्न करीब आता है तो इनोला उस पर हमला करने के लिए उस पर कूद पड़ती है और आखिरकार उसे मारने में वो कामयाब होती है। उस समय असली अपराधी दिखाई देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ट्विग्सबरी की दादी दी डोवेजर है। उसने अपने बेटे को मार डाला और अब वो चाहती है कि उसका पोता भी मारा जाए ताकि देश की परंपराओं की रक्षा की जा सके। डोवेजर अपने पोते ट्विग्सबरी को गोली मार देती है, लेकिन वो ठीक है। ट्विग्सबरी ने मूर्तियों में से एक कवच का टुकड़ा उठा लिया था, इसीलिए वो बच गया। अब कोई और ऑप्शन ना देखकर द डोवेजर को सरेंडर करना पड़ता है। अगले दिन शर्लॉक लेस्ट्रेड को बताता है कि उसे पता चला कि डोवेजर असली अपराधी है, जिसे शर्लॉक ने न्यूज़पेपर के कुछ सुरागों को फॉलो करके पता लगाया। लेस्ट्रेड ने उसे बताया कि इनोला ने पहले ही मामले को सुलझा लिया है। ये सुनकर शर्लॉक को अपनी बहन पर गर्व महसूस होता है। इस बीच इनोला को उसके साथ रहने के लिए ट्विग्सबरी और उसकी माँ से एक ऑफर मिलता है, लेकिन इनोला मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी माँ यूडोरिया की तलाश जारी रखनी होगी। हालांकि वो इनाम के पैसे को स्वीकारती है ट्विग्सबरी को वादा करने के बाद कि वो फ्यूचर में एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। इनोला अखबार खरीदती है और एक गुप्त मैसेज पाती है जिस पर उसकी माँ ने सिग्नेचर किया है। वो जल्दी समझ जाती है कि ये शर्लॉक का ही जाल है, लेकिन फिर भी इनोला उस जगह पर जाती है और वो अपने दोनों भाइयों को उसका इंतजार करते हुए दूर से देखती है। माइक्रॉफ्ट खराब मूड में है क्योंकि ट्विग्सबरी के वोट से रिफॉर्म बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो अब इनोला की जिम्मेदारी शर्लॉक को सौंप देता है। जाते समय शर्लॉक डैश को देखता है और वो समझ जाता है कि इनोला यहीं पर थी। जब इनोला उस नए होटल में लौटती है जिसमें वो रह रही है तो यूडोरिया उसका वहाँ इंतजार कर रही होती है। दोनों गले लगते हैं और यूडोरिया उसे बताती है कि उसने इनोला को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसे परवाह नहीं थी। वो चली गई क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहती थी। वो जल्दी लड़ाई जारी रखने के लिए फिर से निकल जाएगी, लेकिन वो इनोला से कहती है कि उसने जो भी किया है उसे उस पर गर्व है। इनोला अब खुश है क्योंकि उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया है, बिल्कुल उसकी माँ और उसके भाइयों की तरह, कि वो भी एक डिटेक्टिव बनना चाहती है। और इसी के साथ इनोला होम्स मूवी यहीं एंड होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।